हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो तुहाडे वास्ते मैं एक और गेम प्ले लेके आई हाँ। तो उत्तर के साथ मेरे हथों की लग गई सी शॉटगन। तुहानू पता शॉटगन हाथी आए तो फिर अगला बचता नहीं है। ए इनू मैं एक ही गोली विच मार सुटिया। इनका नाम है लीडर। तो आप लोगों को पता है मेरी ज़्यादातर शॉटगन की गोली लगती नहीं है, लेकिन यहाँ पे अच्छे तरीके से लग गई। मुझे बैरल मिल गई। मैंने कहा बैरल से ना खात्मा करती हूँ, अकेली हूँ तो जल्दी मरेंगे लोग। पहले तो ये आया, ये इसको मैंने मारने की कोशिश की बट ये नहीं मरा। यहाँ पे मेरा पहला शिकार आया, ये वाला नहीं, इसके पिछले वाला बंदा। पहले वाला डाउन नहीं हुआ, पिछले वाला डाउन हो गया। अब ये टोटल तीन बंदे हैं, से मुझे तीनों को मारना पड़ेगा। तो इस तो पहले मैं निकल के पहले मार देनी है इन्हों। रिवाइव करता पिया सी, पिछों दी एक होड़ आया तो ए तीनों मर गए ने, मार दिते ने, मैं हले मार दिते ने। इन्हों का चौथा पता नहीं कितने निकल गया, रिकॉल लास्ट ही निकलिया सी, लेकिन इधर इन लोगों का खात्मा हो गया। यहाँ से मेरे मैच की सबसे अच्छी वाली शुरुआत हो गई। ये बेचारा, इस बंदे का नाम चेक करना यार, क्या नाम इसने रखा हुआ है। ऐ वेखो जरा, लोचा अली, लोचा या लोचा जो भी है। आप लोगों को क्या लगता है, लोचा लिखा है या लोचा लिखा हुआ है? कुछ तो है, हम पता नहीं की है, मैंने नहीं पता। पता नहीं लोग कंज कंज ना रख के आई जाते हैं यार। मैं आप लोगों को बताऊँ कैसे कैसे नाम। एक ने रखा हुआ था अबू जी, किसी ने रखा होता डैडी, किसी ने रखा होता है पापा। यार पता नहीं क्या, हालांकि होते हैं छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चे होते हैं, लेकिन नाम चेक करो क्या क्या रखे होते। तो इधर मैंने इन लोगों को मार दिया। इधर सामने एक और बंदा था, मैंने कहा इसको मैं नेट से मारती हूँ, शायद नेट इसको लग जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है, नेट मेरा लगा होगा कि नहीं लगा होगा? हमेशा की तरह नहीं लगा। ये लीडर दोबारा से आ गया था, मत तो मैंने भी देखा है। यह बंदा तो पागल कमला हो गया, ये बार बार नेट से नेट सुटी जाता पे। इन्हों की पता मैं हैवी ड्राइवर है, नेट के घट ही मरती हाँ। तो यहाँ पे मैंने सामने स्मोक कर दिया और सामने ड्रॉप भी आया हुआ था। पीछे मैंने देखा, पीछे से मुझे कहीं से पढ़ना ना चाहें, मेरे साथ प्रैंक हुआ हो, मैं अगले के साथ प्रैंक करने का सोच रही थी। तो इस साइड से बंदा आया, पहले इस साइड पे खड़ा हुआ बंदा और इस साइड से आ रहा था। इन्हों पहले मैं मगरों लाया, क्रिस सेगा सी इनका ना, इसको भी मैं डरा रही थी कि मुझ पर रश ना कर दे। तो ऐ नसदा पिया सी, ऐ नीवा नीवा होता पिया सी। मैं कहा रुक तू जरा सबर कर, तेन तो मैं दसनी हाँ। इसको मैंने फिनिश किया, हूँ बारी इनकी हैगी है। इसको काफ़ी डैमेज मिला, मैंने कहा इस पर रश करती हूँ सीधा जाके। तो इस पर जब मैंने रश किया तो वो हो चुका था पैनिक और इन्हू मैं इतने मार सकिया। इधर आएगा नो हैकर। अच्छा, उस टाइम मुझे समझ नहीं आई थी, अभी मुझे समझ आई है। इसका लिखा हुआ था नाम नो हैकर। बड़े अजीब नाम है यार। अभी मैंने आप लोगों को नाम बताया ना, नाम कैसे रखे होते हैं लोगों ने। दादाजी भी रखा होता तो याद है यार, दादाजी। ये बेचारा लेट गया था ऊपर ही, उसको पता था मर तो जाना ही है, कोशिश करके ही मरता हूँ। बट कोई ना, बेटर लक नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। अच्छा, अभी मेरे 14 किल हो चुके हैं। मैंने कहा पूरे के पूरे 20 किल मैंने करने हैं। मैंने यहाँ पर ठान ली थी कि 20 से कम किल नहीं होने, होने हैं तो 20, नहीं तो चिकन नहीं होना। यहाँ पे इसको भी मैंने डाउन किया, इसका अगला बंदा भी था, इसको मैंने यहाँ पर डाउन किया। तो ये दोनों ही फिनिश हो गए, इनका कोई भी और पार्टनर नहीं था। फिर मैंने कहा यार बंदे कम रह गए हैं, 9 तो बंदे रह गए हैं सारे, बल्कि 8, एक तो मैं हूँ, तो 8 बंदे रह गए। मुझे जल्दी से 4 किल निकालने पड़ेंगे। यहाँ से मैं गुजर रही थी, इन लोगों ने हैवी फायरिंग की मेरी गाड़ी पे। मैंने कहा इधर रोकना खतरे से खाली नहीं होगा, आगे जाके कहीं पर रोकूंगी। फिर मैंने सोचा पीछे से जाके ना पहाड़ी के ऊपर रोक लेती हूँ गाड़ी, फिर मैं इन लोगों को ना मज़ा चखाती हूँ। तो मुझे किलों की ज़रूरत थी, मुझे पूरे 20 किल करने थे, तो मेरी मजबूरी थी इन लोगों को मारने की, वरना मेरी इनके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। यहाँ पर मैंने बस सोचा कि बस घर के अंदर निकल जाती हूँ, गाड़ी का मुझे होश ही नहीं था कि गाड़ी किधर जा रही है। मैं सीधा अंदर आई, मैंने यहाँ पे थोड़ा बूस्ट किया, मैंने कहा आगे ज़्यादा बंदे हैं तो मुझे मारना ना दें, तो थोड़ी पूरी तैयारी करके जाती हूँ। तो ऐ पागल बेचारा नेट सुटना शुरू हो गया, इन्हें पता चल गया सी इनकी मौत की बारी आ चुकी है। मैंने कहा यहाँ पर इससे पहले और नेट करे, इसको मैं जाके ख़त्म करती हूँ। जब मैं ख़त्म करने लगी, उसके टीममेट ने पीछे से नेट फेंक दिया। मैंने कहा चलो यार, एक ने ख़त्म किए तो दूजा शुरू हो गया। तो ये फायरिंग कर रहा था नीचे के, यार ऊपर ना आए, ये मुझे मारना ना दे। तो वो बेचारा अपनी फुल कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जो इसका टीममेट था ना, ये काम ख़राब कर रहा था, इसने मुझे काफ़ी लॉक किया। इतने मैं अपने आप ने क्या आमना तू ते गई, बस ख़त्म, टाटा बाय बाय। इतने मैं किट लानी सोची, फिर मैं सोचा उत्ते जाके लानी यार, थले थोड़ा खतरा ही गए ना। तो उत्ते जाके मैं किट ला ली, शुक्र है। किट के बिना काम खराब हो जाना था, लेकिन यहाँ पे मेरी किट लग गई थी, शुक्र है। अब भाई इन लोगों की मौत की बारी, मुझे 20 किल करने थे यार। आप लोगों को क्या लगता है, 20 किल मेरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे?
अब मेरे 17 किलो गए, हम गिनती करो 3 रहते ने। यहाँ पे हो चुके थे बंदे ख़त्म और मेरे भी 17 किलो से 3 किलो और निकालने थे। मैंने कहा निकलती हूँ अब इधर से ना, फायदा नहीं हैगा सी उत्थे रहन दा कोई। तो बाकी काफ़ी लोग की मैंने इतने मिल गए, मैं क्या पहाड़ी दी जानी हूँ। हर जगह से मुझे साउंड आ रहा था, आगे पीछे से हर जगह से मेरे ऊपर ना घेरा बन रहा था। मैंने कहा पीछे शराफत से जाके लेट जाती हूँ, फिर इन लोगों को मज़ा चखाऊंगी। बारी बारी मैंने सबको डाउन किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। इन लोगों के साथ तो प्रैंक ही हुआ है। मैंने कहा इससे पहले कि मेरे साथ प्रैंक हो, क्योंकि हर जगह से मुझे साउंड आना शुरू हो गया कि कहाँ से आएंगे, अब कहाँ से आएंगे। तो ये घेरा बना के इन लोगों ने मुझे मार लेना था, इसलिए पीछे चली गई थी। ये क्रिस वही है, ये भी मैंने देखा है इसको ना दोबारा। ये क्रिस वही, उन्होंने मैंने पहले मारे थे शुरू ना पावर प्लांट में। अभी 1v1 की फाइट थी, मेरे 20 किल्स पूरे हो चुके थे। ये मुझे एक चुंगा मुंगा किल मिल गया था। बेचारा कब तक अपनी खैर मनाएगा, बिल्ली कब तक खैर मनाएगी, ऐसे था ना। चलो जल्दी दबिएगा सी सनू की। यार ये बड़ा तेज बंदा था, इसने अपना नाम रखा हुआ था डोंट ट्रस्ट। मैं क्या इन्हें ना इधर रखे हुए तो मैं क्यों ट्रस्ट करा, उधर ही रह रहे कि ना ही जंप कर रहा था। मैंने कहा इसे पहले ही मुझे मारे, मैं इसको मारती हूँ और काम तमाम करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ बड़ी बार प्रैंक हो चुका है। तो बस ये वीडियो इधर ही तक की थी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।